नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निक क्लास था। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईवोल्ट कंपनी का एक टीवी ट्यूनर बॉक्स। ये जो टीवी ट्यूनर बॉक्स है ये मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 1830 रुपीज। ये जो आईवोल्ट टीवी ट्यूनर बॉक्स है इसका मॉडल नंबर है आपका CTV27 और इसका नाम है आपका क्लेरो टीवी। इसमें आपका क्या क्या फैसिलिटी है मैं बता देता हूं। इसमें आपको लिखा हुआ है HD टीवी बॉक्स, ये HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, प्लस इसमें LCD LED और प्लस इसमें CRT मॉनिटर भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको पिक्चर इन पिक्चर PIP मोड दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का काम भी होगा, साथ में छोटा सा एक विंडो आएगा जिसमें आपका टीवी भी चलता रहेगा और साथ में इसमें आपका FM रेडियो भी है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। इसे खोलते ही आपको एक यूजर गाइड मैनुअल मिल जाएगा जिसमें आपका सारा सेटिंग्स वगैरह सब कुछ दिया गया है। कैसे आप इसको सेटिंग करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे, सभी कुछ इसमें दिया गया है। उसके बाद आपको एक रिमोट मिलेगा। ये जो रिमोट है ये एवरेज क्वालिटी का है, साथ में आपको बैटरी भी फ्री मिलता है। इसमें आपको 2 AAA बैटरी फ्री मिलता है। उसके बाद आपको एक ऑडियो केबल मिल जाएगा, एक एंटेना केबल मिल जाएगा, एक RGB केबल भी मिल जाएगा और एक आपको AC एडाप्टर मिल जाएगा जो है आपका 5 वोल्ट 7 एम्पियर। एक PC से कनेक्शन करने के लिए VGA पोर्ट और इस तरफ आपको PS2 पोर्ट का साथ एक केबल मिल जाएगा जो PC से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये है आपका मेन यूनिट। इसको वर्टिकली ऐसे करके रखने के लिए आपको एक स्टैंड भी मिल जाएगा। ये है आपका टीवी ट्यूनर कार्ड, इसके साथ आपको एक एंटेना मिलेगा, एक ऑडियो केबल, एक एडाप्टर, एक RGB केबल और एक PC के साथ कनेक्शन करने के लिए एक केबल। लेकिन इसमें आपको मॉनिटर का साथ टीवी ट्यूनर का कार्ड का साथ कनेक्शन करने के लिए केबल नहीं मिलेगा, वो मॉनिटर का साथ ही रहता है। ये आईवोल्ट कंपनी का छोटा सा टीवी ट्यूनर बॉक्स, साइज इसका बहुत छोटा है, 12.5 सेंटीमीटर का है इस तरफ और इस तरफ है आपका 7.5 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं अपना रेडमी नोट 5 के साथ कंपेयर करूँ तो देखिए काफी छोटा है। इस बॉक्स में इस साइड में आपको RGB पोर्ट मिल जाएगा। इस RGB पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट करके और दूसरा एंड आपको सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको VGA पोर्ट मिल जाएगा। ये जो पोर्ट है इसमें आपका मॉनिटर का जो डाटा केबल है इसको आपको यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा ऐसे, और केबल को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। PS2 पोर्ट मिल जाएगा जिसके साथ PS2 का जो ये पॉइंट है, ये काट, इस काट को देख के यहाँ से आप मिला लीजिए, काट को देख के बिठाइए ऐसे करके। इसको अगर आप कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हैं, अगर आप इस केबल को लगाते हैं तो आपको एक ऑडियो इन भी यहाँ पे देना पड़ेगा, इसको भी आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पे पावर केबल और यहाँ पे एंटेना, इस तरफ से आपको सेटअप बॉक्स में लगाना पड़ेगा। ये आपका चला जाएगा मॉनिटर का साथ, ये आपको चला जाएगा लैपटॉप या PC का साथ और ये चला जाएगा आपका लैपटॉप ऑडियो पोर्ट में। ये है आपका पावर एडाप्टर और ये आपका एंटेना। यहाँ पे और एक ऑडियो पोर्ट दिया गया है, ये पोर्ट आपको स्पीकर के साथ कनेक्शन होगा। स्पीकर से इस पोर्ट को कनेक्शन कर लीजिए। दोस्तों ये मैंने कनेक्शन कर लिया है, ये है आपका सेटअप बॉक्स और सेटअप बॉक्स को मैंने पावर दे दिया और यहाँ से सेटअप बॉक्स के पीछे से जो RGB केबल निकला है इस केबल को मैं आईबोल का टीवी ट्यूनर बॉक्स के साथ कनेक्शन कर लिया है और ये जो आपका VGA केबल है इस केबल को मैंने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको मैंने स्पीकर के साथ कनेक्शन कर दिया है और ये हो गया पावर एडाप्टर। सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टीवी बढ़िया से चल रहा है। पुराना टीवी, पुराना मॉनिटर, कैसे आप अपना पुराना मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो LCD हो, LED हो, CRT हो, किसी से भी कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, आप अपना सेटअप बॉक्स के साथ विदाउट टीवी ट्यूनर कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। ये एक HDMI तो VGA कन्वर्टर, इसकी मदद से भी आप अपना सेटअप बॉक्स से डायरेक्ट किसी भी मॉनिटर में टीवी देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करें। सबसे पहले मॉनिटर का जो VGA केबल है इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। मैंने कनेक्ट कर लिया, अब मॉनिटर को पावर दे दीजिए। ये मैंने मॉनिटर को पावर ऐसे दे दिया। उसके बाद सेटअप बॉक्स का पीछे में HDMI पोर्ट जो यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। सेटअप बॉक्स के पीछे में इस HDMI पोर्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद अब मॉनिटर में देखिए जो चैनल सेटअप बॉक्स में चल रहा है वही आपको मॉनिटर में शो कर रहा है।
बिना टीवी ट्यूनर बॉक्स खरीदे भी आप इस कन्वर्टर की मदद से इसमें चला सकते हैं। तो टीवी ट्यूनर बॉक्स इसलिए खरीदेंगे क्योंकि टीवी ट्यूनर बॉक्स जो है वो किसी भी मॉनिटर, वो चाहे किसी भी मॉनिटर हो, CRT, LED, LCD सभी में सपोर्ट करेगा। इसमें एक दिक्कत आता है कि आपका अगर रिजोल्यूशन इसके साथ मैच नहीं करता है तो इस मॉनिटर में आपका डिस्प्ले आएगा नहीं। तो मॉनिटर में डिस्प्ले को मैच कराने के लिए इस सेटअप बॉक्स का जो रेजोल्यूशन है वो कमा के फुल HD से HD नहीं तो HD से कम कर लीजिए, क्योंकि आपका मॉनिटर हो सकता है पुराना हो, उसमें आपका HD रेजोल्यूशन सपोर्ट ना करे, ठीक है, तभी आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएगा। तो मैं कैसे सेटिंग करता है मैं दिखा देता हूँ। पहले आप मेनू में चला जाइए, मेनू, उसके बाद आप यहाँ पे आएगा आपका सेटिंग, ये सेटिंग्स में आ गया, इसमें क्लिक कर दिया, उसके बाद इसमें आएगा आपका सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग आ गया। सिस्टम सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन में जाके रिजोल्यूशन चेंज कर लीजिए। आप देखिए रिजोल्यूशन यहाँ पे 720p है और यहाँ पे देखिए सबसे कम है 576p और 57i है, और आई में आप सिलेक्ट मत कीजिए क्योंकि उसमें डिस्प्ले ले नहीं पाएगा। अगर पुराना आपको अगर स्क्वायर टाइप का LED मॉनिटर हो तो आप आई में सेट मत कीजिए, मैंने 576 में पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद डिस्प्ले आने दीजिए, उसके बाद आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाते जाइए। अगर आपका HDMI to VGA कन्वर्टर्स में ऑडियो का ऑप्शन ना रहे, यहाँ पे 3.5mm जैक रहता है, इसमें मेरा नहीं है, अगर नहीं रहे तो आप फिर भी आप इसका ऑडियो आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, आपको एक AV केबल चाहिए, AV केबल को आप स्पीकर के साथ कनेक्ट कीजिए, एक्सटर्नल स्पीकर के साथ, उसके बाद आप ये जो आपका ये दो कनेक्शन आप सेटअप बॉक्स का पीछे में लगा दीजिए, रेड और वाइट, आपको साउंड मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। मैंने लगा दिया, सेमीफाइनल में पहुंच गई। अभी देखिए मैंने AV पोर्ट के थ्रू साउंड ले लिया है ऑडियो, एक अच्छा तरीका है कम कीमत में आप अपना सेटअप बॉक्स को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने का तरीका। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।